हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास वी हैव डन हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट क्लास में अपना संकरण कंप्लीट हुआ था और संकरण में मैंने तीन प्रकार के टाइप बताए थे, sp3, sp2 और sp1। तीनों की मैंने आकृति बताई थी, तीनों में कोण कितने डिग्री का कोण बनता है वो समझाया था। इस प्रकार यहाँ पर संकरण आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट ले अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके प्रकार पड़ेगी। तो अपन देख रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधों अथवा भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है, उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले देख रहे अपन इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या बताई। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर, जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर, जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना, पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। वर्ड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हो और इसके प्रकार को समझाइए। तो पहले मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण को डिफाइन कर रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, कितनी होती है भाई 78%, कितनी मात्रा होती है भाई 78%। तो वातावरण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। और ये बस बताई मैंने आपको, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। ये जो वायुमंडल की गैसों का परसेंटेज में आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। वायुमंडल में गैसों की मात्रा और मात्रा का मैं परसेंटेज बता चुका हूँ। नाइट्रोजन की मात्रा मैं बता चुका हूँ आपको, नाइट्रोजन कितनी बताई अभी मैंने आपको, N2 की परसेंटेज 78%। फिर आपकी आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है भाई, O2 की मात्रा होती है 21%। फिर आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, इट मीन्स CO2 की कितनी होती है 0.03%। फिर आती है आपकी अन्य गैसें,
और अन्य गैसें होती हैं 0.97%, और इस प्रकार ये आपका 100% रेशो होता है। अब यहाँ पर देखो सबसे अधिक जो मात्रा है, सबसे अधिक जो मात्रा किसकी दिखा रही है आपको, नाइट्रोजन कितनी है 78%, और सबसे कम मात्रा किसकी है CO2 की कितनी 0.03%। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण ही फसलें क्लियर होती हैं और उनमें विकास होता है। तो सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन कितनी है 78%, सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर उससे कम ऑक्सीजन 28%, उससे कम अदर गैसें 0.97%, और सबसे कम होती है CO2 0.03%। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की सबसे अधिक परसेंटेज होती है कितनी 78%, और सबसे कम किसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। मैंने आपको डिफाइन किया है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध करवाना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। और टोटल मैंने गैसों का बताया कि नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 21, CO2 की 0.03%, और अन्य गैसें 0.97%, और टोटल आपका रेशियो होगा 100%। अब नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के मुख्य निम्न दो प्रकार है, निम्न दो प्रकार है, निम्न दो प्रकार है। फर्स्ट है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फर्स्ट है इसका सहजीवी नाइट्रोजन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है असहजीवी, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला है आपका सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहला पार्ट। दूसरा है एसीजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बेटा ये इसका लास्ट पॉइंट चल रहा है आपका, इस चैप्टर का मृदा जीवन पदार्थ का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट पॉइंट सॉरी, इसके बाद आपका ये मृदा जीवन पदार्थ कंप्लीट। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार तो ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एसीजीवी नाइट्रोजन। अब एक एक की स्टडी करेंगे और दोनों कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो पहला उठा रहे हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो देखो, अधिकांश फलीदार पादप जैसे, अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है,
छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है तथा इन ग्रंथियों में वायुमंडल में मृदा में नाइट्रोजन स्तर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन विकृति। अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों में वायुमंडल में मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। ये नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया और दलहनी फसलों के बीच संबंध को सहजीवन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन की सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की डेफिनेशन कंप्लीट है। दोबारा देख लेना, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों में वायुमंडल में मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। ये नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया
और दलहनी फसलों के बीच संबंध को सहजीवन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं, और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। दोबारा देख लेना, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। डिफाइन एक परिभाषा बता, अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, तथा इन ग्रंथियों में वायुमंडल में मृदा में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। दलहनी फसलों के लिए फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। ये नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया और दलहनी फसलों के बीच संबंध को सहजीवन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं, इट मीन सिम्बायोटिक। आगे देखें इसके वर्ग और एग्जाम्पल। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, स्थिरीकरण बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। अब सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसमें राइजोबियम जाति की, राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया निवास करते हैं। राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया, इट मीन्स जीवाणु, राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया या जीवाणु निवास करते हैं, निवास करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं सहजीवी नाइट्रोजन बैक्टीरिया, तो राइजोबियम प्रजाति के जो बैक्टीरिया इसमें निवास करते हैं, और ये पौधों में, और ये पौधों में निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया निवास करते हैं, और ये पौधों में निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, तो इनके अपने एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहे अपन क्रम संख्या, प्रजाति का नाम, नाम संख्या, प्रजाति का नाम, और दूसरी इसमें अपन देखेंगे प्रजाति, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन, देखिए पहले क्रम संख्या हो गया, उसके बाद प्रजाति का नाम। जैसे एक नंबर पर अपन देखेंगे राइजोबियम मेलिलोटी, वर्ग फर्स्ट राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी, और ये होती है इसमें रिज का वर्ग आएगा ना इसमें कंप्लीट। सबसे पहले अपन देखेंगे क्रम संख्या फर्स्ट, फिर लेंगे प्रजाति का नाम। तो पहला है वर्ग फर्स्ट, एक राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम मेलिलोटी, ये क्रम संख्या एक, वर्ग फर्स्ट राइजोबियम, ये आपकी प्रजाति का नाम हो गया। इसमें क्रम संख्या प्रजाति का नाम, फिर अपन देखेंगे इसका वर्ग, इसमें आएगा रिज का वर्ग, और फिर देखेंगे इसमें फसलें, फसलें भी इसमें होगी रिज का। तो अपन यहां पर देख रहे हैं
इसके एग्जाम्पल पहले मैंने आपको क्या बताया, वर्ग फर्स्ट राइजोबियम मेलिलोटी रिज का वर्ग है और इसमें रिज का ही फसल होती है। दूसरा अपन ले रहे हैं वर्ग सेकेंड राइजोबियम फर्स्ट मेलिलोटी वाला वर्ग जिसका रिज का वर्ग है। दूसरा है राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, और यह आता है मटर वर्ग में और इसका एग्जांपल है उद्यान मटर। इसका एग्जांपल क्या है भाई, उद्यान मटर। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपको बताए हैं। क्रम संख्या है पहले, फिर प्रजाति का नाम, वर्ग फर्स्ट राइजोबियम मेलिलोटी, परफेक्ट है। क्रम संख्या, प्रजाति का नाम, ये वर्ग है और ये उसने फसलों के प्रकार, कौन सी फसल काम में आती है। तो पहला है क्रम संख्या फर्स्ट, प्रजाति का नाम राइजोबियम मेलिलोटी, रिज का वर्ग और इसमें फसल रिज का। नेक्स्ट वर्ग सेकेंड में आता है आपका राइजोबियम, वर्ग सेकेंड राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, उसमें मटर वर्ग है, उद्यान मटर आता है। तीसरा आता है वर्ग थर्ड राइजोबियम ट्रोपोफोर, राइजोबियम ट्रोकोफोर, राइजोबियम ट्रोकोफोर आता है और ये वर्ग आता है आपका सेल्यूलर वर्ग में, सेल्यूलर वर्ग में, और इसमें आता है क्लेवर, क्लेवर के फसल का नाम है क्लेवर, इसमें सेल्यूलर वर्ग आता है और ये है आपका क्लेवर, इसमें फसल का नाम होता है। ये मेनली मैंने आपको बताए हैं एक टेबल के द्वारा। सबसे पहले मैंने एक प्रजाति का नाम बताया है राइजोबियम मेलिलोट, इसमें आता है रिज का वर्ग और ये फसल है रिज का। दूसरा बताया वर्ग सेकंड राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, इसमें आता है मटर वर्ग और ये उद्यान मटर, इसका फसल का नाम है। नेक्स्ट है राइजोबियम ट्रोपोफोर, इसमें आता है सेल्यूलर वर्ग और ये इसमें फसल का नाम है क्लेवर, कौन सी फसल का नाम है इसमें, क्लेवर। तो ये आपका सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कंप्लीट। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी को एक बार दोबारा देखते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है एसिडजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अपन यहाँ से पहला उठा रहे हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों में वायुमंडल में मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और ये नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार दलहनी फसलों के बीच बैक्टीरिया इस प्रकार बैक्टीरिया और दलहनी फसलों के बीच संबंध को सहजीवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी यानी सिम्बायोटिक कहते हैं। तो ये तो हो गई सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिभाषा। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया या जीवाणु निवास करते हैं और ये पौधों में निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसको मैंने एक एग्जाम्पल को एक टेबल की तरह फाइंड किया है और वो है प्रजाति का नाम वर्ग फर्स्ट राइजोबियम मेलिलोटी, इसका वर्ग है रिज का वर्ग और फसल कौन सी होती है इसमें, रिज का फसल कौन सी होती है भाई इसमें, रिज का फसल होती है, कौन सी फसल होती है, रिज का। वर्ग टू राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम,
ये इसके दूसरी प्रजाति का नाम है, और ये वर्ग आता है इसमें मटर वर्ग, और फसल है इसमें उद्यान मटर, बगीचे में लगने वाला मटर। नेक्स्ट आपका वर्ग थर्ड है राइजोमियम ट्रोपोफोर, इसमें सेलुलर वर्ग आता है, और इसका एग्जाम्पल है फसल कौन सी होती है, क्लेवर। इस प्रकार ये आपका साइजोमी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कंप्लीट। तो साइजोमी स्थिरीकरण जो प्रजाति है वो कौन सी है, मेन प्रजाति जो मैंने आपको बताई, इसमें साइजोमी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ने जो प्रजाति बताई वो कौन सी है, राइजोमियम मेलिलोटी। और राइजोमियम मेलिलोटी इसी के फलस्वरूप राइजोमियम मेलिलोटी जो प्रजाति है इसी में आती है आपको सहजीवी में, और सहजीवी के द्वारा ये कंप्लीट होती है। तो अपना यहाँ पर अपन ने पढ़ा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन बताई, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा ग्रहण कर पौधे या भूमि को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अब वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी कितनी है, नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 21, CO2 0.303 और अन्य गैसें 0.9, इस प्रकार 100% रेशियो होता है। यहाँ पर मैंने बताया सबसे अधिक 78 नाइट्रोजन की, सबसे कम CO2 की 0.03%। फिर मैंने बताया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण निम्न दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, फर्स्ट है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फर्स्ट है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले पढ़ रहे अपन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अधिकांश फलीदार पादप जैसे मटर, मूंग, चना आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, और इन ग्रंथियों में वायुमंडल में मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं या जीवाणु। ये बैक्टीरिया ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और पौधों को नाइट्रोजन इट मीन्स N2 देते हैं। ये N2 दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया और दलहनी फसलों के बीच में संबंध को सहजीवन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी इट मीन्स बायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, राइजोमियम प्रजाति। अब सहजीवी नाइट्रोजन में कौन सी प्रजाति है, राइजोमियम प्रजाति के बैक्टीरिया इसमें निवास करते हैं, और ये पौधों में निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कौन कौन सी प्रजाति है जो इसमें निवास करती है, तो मैंने इसको टेबल के द्वारा बताया है। देखो ये टेबल, प्रजाति का नाम है वर्ग फर्स्ट राइजोबियम मेलिलोटी, इसका वर्ग है रिज़गा वर्ग और फसल होती है इसमें रिज़गा। दूसरा बताया मैंने राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, और इसमें आता है मटर वर्ग और इसकी फसल होती है उद्यान मटर। दूसरा आता है आपका वर्ग थर्ड राइजोबियम, राइजोबियम ट्रोपोफोर, और इसमें आता है सेलुलर वर्ग और इसकी फसल होती है क्लेवर। इस प्रकार बेटे आपका ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कंप्लीट। अपन पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, तो इस प्रकार में अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दो प्रकार पढ़े, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक पार्ट कंप्लीट हो गया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपका कंप्लीट हुआ है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसमें कौन सी प्रजाति निवास करती है, राइजोबियम। तो यहाँ से इसकी प्रजाति का जो एग्जाम्पल है वो राइजोबियम प्रजाति के जीव सहजीवी नाइट्रोजन में स्थिरीकरण में भाग लेते, कौन सी, राइजोबियम प्रजाति। अब अपन दूसरा पढ़ेंगे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो और नेक्स्ट क्लास में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ने के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट। इस प्रकार आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है मृदा जीवांत पदार्थ, ये लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट बचा हुआ है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ऑल स्टूडेंट्स।
थैंक यू एवरीवन।